ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तहत मणिकर्णिका और ललिता घाट से विश्वनाथ मंदिर तक 40-40 फीट के दो कॉरिडोर बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इसके लिए यहां हो रहे ध्वस्तीकरण के दौरान बेहद चौंकाने वाली तस्वीर सामने आ रही है। मंदिर क्षेत्र में टूट रहे मकानों से भगवान की मूर्तियों के साथ हजारों साल पुराने मंदिर भी निकल रहे हैं। टूट रहे मकान, निकल रहे भगवान। काशी में बन रहे कॉरिडोर का कार्य जारी। ध्वस्तीकरण में चौंकाने वाली तस्वीरें। मकानों से निकल रही हैं मूर्तियां। पुरातत्व विभाग ने डाला डेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए ध्वस्तीकरण का कार्य जारी है। काशी विश्वनाथ की गलियों में मकानों के ध्वस्तीकरण से चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आ रही। प्रस्तावित कॉरिडोर क्षेत्र में ध्वस्तीकरण के कार्य में अब तक 43 मंदिर और काफी विग्रह मिल चुके हैं। इनमें कुछ 11वीं से 12वीं शताब्दी के बताए जाते हैं, लेकिन एक मंदिर को देखकर लोग हैरान हैं। मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर के जैसा ही दिखता है। ध्वस्तीकरण के बाद सामने आए कई मंदिरों के विग्रहों की मंदिर प्रशासन ने जांच के लिए पुरातत्व विभाग को दे दिया है। जी बिल्कुल सही बात है। इस क्षेत्र में हम लोगों ने जब से डिमोलिशन का काम शुरू किया है, कई घरों में पूरी तरह से बंद और ढके हुए और इनक्रोच अपॉन मंदिर मिले। अब तक कुछ कुल छोटी बड़ी ऐसी 41 संरचनाएं प्राप्त हुई हैं और इनको अभी तक ना किसी को पता था कि अंदर मंदिर है, या पता होगा भी तो कम से कम आम दर्शनार्थी को दर्शन के लिए सुलभ नहीं थे। इन मंदिरों में व्यापारिक गतिविधियाँ भी चल रही थी, दुकानें लगी हुई थी, घर बना रखा था लोगों का, किचन था। ये जो कॉरिडोर है, ये मंदिर निकला हुआ है घर के अंदर से, इसकी पूजा की जिम्मेदारी हमको दी गई है। सुबह और शाम दोनों टाइम हम अपना पूजा आके करते हैं। तो क्या आपको पहले से पता था कि यहाँ पे ये मंदिर है? हाँ, मंदिर का तो मालूम था, लेकिन ये जानकारी था कि ये निजी है तो कोई घुसता नहीं था, घर के अंदर कौन घुसेगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर क्षेत्र में ध्वस्तीकरण के दौरान एक शिवलिंग एक मकान के सीढ़ियों के नीचे मिला। खुदाई कर रहे मजदूरों ने इसकी जानकारी मंदिर प्रशासन को दी। मंदिर प्रशासन ने तत्काल सफाई कराकर उस विग्रह की पूजा कराई। इसके बारे में मंदिर प्रशासन ने ट्वीट भी किया कि कॉरिडोर बनाने के लिए चल रहे ध्वस्तीकरण के कार्य में हर दिन कोई ना कोई प्राचीन प्रतिमा और मंदिर मिल रहे हैं। इस दौरान हमें कई मंदिर मिले, लेकिन सीढ़ियों के नीचे मिले शिवलिंग सभी लोग अचरज में पड़ गए हैं। विश्वनाथ कॉरिडोर में जो काम हो रहा है, यह पूरी तरीके से जो है उचित ढंग से नहीं हो रहा है। इसमें कारण क्या है कि पहले तो सरकार को ये करना चाहिए था कि पहले मंदिरों की गिनती गणना करवानी चाहिए थी कि कितने मंदिर हैं, उन मंदिरों में कौन क्या व्यवस्था है। आज ये मंदिर जो है खुले आकाश के नीचे, इसमें न तो कोई पूजा पाठ हो पा रही ठीक से, न कुछ हो पा रहा। कि अपने शहर से और समाज से जुड़े, और खासकर ये जो इतना बढ़िया कॉरिडोर बन रहा है, जैसे लग रहा है नीचे से कोई खान में से सोना निकल रहा है, हीरा निकल रहा है। अब इसी मंदिर को देखिए, सब तरफ से घेरा हुआ था। अभी हम लोगों ने पूरा राउंड लगाया है, और राउंड लगाने के बाद आश्चर्यचकित हैं कि हमारे यहाँ काशी में इतने बढ़िया बढ़िया चीजें जो ढक गए। मैं तो थैंक्स दूंगा मोदी जी को और योगी जी को, और कि जिनको एक हनुमान विशाल जी जैसा मिल गया है। मंदिर कॉरिडोर के लिए खरीदे जा रहे भवनों के ध्वस्तीकरण के लिए करीब 3,000 लोग लगाए गए हैं। ये रात में 11 बजे से सुबह 3 बजे तक कार्य कर रहे हैं।
ध्वस्तीकरण में 43 छोटे बड़े अति प्राचीन मंदिर सामने आए हैं। मंदिर प्रशासन के अनुसार अभी भी कई दुर्लभ मंदिर और विग्रह मिलने की संभावना है। इन सभी को एक स्थान पर रखा जा रहा है। इनके लिए संग्रहालय बनाया जाएगा और इन मंदिरों का जीर्णोद्धार भी कराया जाएगा।